की ये बड़ी खबर जहां पर यात्री विमान एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। काठमांडू से इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश का एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी, जिसमें 71 यात्री सवार थे। काठमांडू से ये बड़ी खबर जहां पर एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वजह को लेकर अभी तक जानकारी नहीं। बांग्लादेश का ये यात्री विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुए, 71 यात्री इसमें सवार थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं साथ की, ये तस्वीरें और जिस तरीके से फिलहाल धुएं का गुबार उठते हुए नजर आ रहा है, इस विमान में सवार यात्रियों की कुशलता की कामना की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से धुएं का गुबार उठ रहा है उससे मुश्किल नजर आ रहा है। काठमांडू में आपको बता दें कि यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, क्रैश हुआ है, एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 71 यात्री इस प्लेन में सवार थे जो फिलहाल यहां पर क्रैश हुआ है। बांग्लादेश का ये विमान था जो यहां पर क्रैश हुआ है। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस, प्यास बुझाए, एनर्जी बढ़ाए। प्रायोजक पद्मावती, लाइफ लॉन्ग अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अदिति अवस्थी। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है न्यूज 100 का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे देते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया है। एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त ये हादसा हुआ। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि हादसे में क्या नुकसान हुआ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल की राजधानी काठमांडू से आ रही है, जहां यूएस बांग्ला एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हो गया है। और ये क्रैश हुआ जब एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हो रही थी। हादसा कैसे हुआ, इस हादसे में जान माल के नुकसान की अगर कोई खबर है तो वो हम पता कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो जानकारी हमें मिल रही है, जो इनिशियल जानकारी मिल रही है, वो ये है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक यूएस बांग्ला एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया है। तो इस वक्त की अहम खबर नेपाल से आ रही है, जहां काठमांडू में एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त एक यूएस बांग्ला एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस विमान में 78 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन विमान में कितने लोग थे ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। दोपहर 2 बजे के करीब ये हादसा हुआ जब विमान की लैंडिंग हो रही थी, और उस वक्त लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ ये विमान। तो यूएस बांग्ला एयरलाइंस का ये विमान, जिसमें 78 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी,
लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ और काठमांडू एयरपोर्ट पर इस वक्त क्रैश के बाद काफी धुआं देखा जा सकता है, अफरा तफरी का माहौल है और जल्द से जल्द ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि विमान में कितने लोग थे और लोगों को बचाने का काम इस वक्त चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, 78 लोगों के बैठने की इस विमान में क्षमता थी और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, 78 लोग इस विमान में बैठ सकते थे, ये कहा जा रहा है कि 2:15 के करीब ये हादसा हुआ है और वहाँ पे कुछ आई विटनेस है, जहाँ वहाँ की जो लोकल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रही है कि करीब 30 से 40 लोग के मारे जाने की वहाँ पर खबर है, क्योंकि वो जल वहाँ पे काफी बॉडीज हैं वहाँ जले हुई देखी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं किया गया है कि कितने यहाँ लोग की जान बची है या कितने लोगों की जान गई है। ये प्लेन 2:15 पर बांग्लादेश से, जो वहाँ का त्रिभुवन हवाई अड्डा है काठमांडू का, वहाँ उसको लैंड होना था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर लैंडिंग के पास ही ये एक बड़ा हादसा हुआ है। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम काठमांडू एयरपोर्ट की, जहां यूएस बांग्लादेश एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हुआ, लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। तस्वीरों में आप धुएं का गुबार देख सकते हैं और जो इनिशियल जानकारी